हाय, आई एम शेफ रवीना और आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना खिचड़ी विद अ ट्विस्ट। इसमें हम बीटरूट डालने वाले हैं, तो लेट्स गेट गोइंग। मैंने साबूदाना को पहले से ही रात भर सोक किया है और बहुत ही ज़्यादा रिंस किया है। आपको मेक श्योर करना है कि जो पानी नीचे आता है वो बिल्कुल ही साफ है। इसको रात भर सोकिंग करने के बाद अब मैं इसमें सॉल्ट और नींबू का जूस डालने वाली हूँ। एक कढ़ाई पैन में मैं डालूंगी हल्का सा ऑयल। इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड सीड्स या राय, पीनट्स और करी पत्ता। जब करी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स का कलर बदल जाएगा, मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली और बीटरूट। बीटरूट को पहले से ही मैंने कुक किया है, मैंने एक घंटे के लिए अवन में रोस्ट किया है। आप इसको प्रेशर कुक या स्टीम भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपना साबूदाना डालने वाली हूँ। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको कुक करने के लिए रखूंगी अभी। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा पानी कुक करने के लिए। इसको अभी हम 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने देंगे और इसको मैं अभी कवर करने वाली हूँ। मेरी साबूदाने की खिचड़ी रेडी है। अब इसमें लास्ट में सिर्फ नींबू डालने वाली हूँ। इसको हम अभी प्लेट करेंगे और लास्टली मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्का सा पोमेग्रेनेट सीड गार्निश के लिए। मेरी बीटरूट की साबूदाना खिचड़ी इज नाउ रेडी। दिस मेक्स फॉर अ ग्रेट ब्रेकफास्ट ऑप्शन एंड आई एम गोना डिग इन। सो गुड, बहुत ही ज्यादा सैटिस्फाइंग है। प्लीज आप ये अपने घरों में ट्राई कीजिए और याद रखना कि हेल्थ है तो हम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन।